मध्य प्रदेश के भोपाल में रोप स्कीपिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय रोप स्कीपिंग चैंपियनशिप 2021-22 अंडर 10, अंडर 14, अंडर 17 और 17 प्लस पुरुष महिला वर्ग का अलग अलग आयोजन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने अपना दमखम दिखाते हुए 20 मेडल, जिसमें 7 गोल्ड, 11 सिल्वर व 2 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है, को अपने नाम किया। सभी खिलाड़ियों ने कोच हिमांशु मानिकपुरी के प्रतिनिधित्व में मेडल जीतकर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। छत्तीसगढ़ के लगभग 8 खिलाड़ी गए हुए थे, जिसमें विनायकपुर के 7 खिलाड़ी थे, 1 खिलाड़ी भिलाई का था जो सेक्टर 7 निवासी है, और टोटल छत्तीसगढ़ के 20 मेडल है। 7 मेडल आपके गोल्ड आए हैं, बाकी सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल आए हैं। इसमें भविष्य है, लेकिन सबसे बड़ा यहाँ पे दिक्कत हमको ये हो रही है कि हमको शासन की तरफ से कोई सहायता नहीं की जा रही है, लेकिन अदर जो मतलब जितने दूसरे राज्य हैं उनको वहाँ से सहायता प्रदान की जा रही है, जो कि हमारी जो राज्य है यहाँ कोई सहायता मतलब हमको मिल नहीं रही है। जो कर रहे हैं हम अपने दम पे कर रहे हैं, तो 3 बार शासन से इसके लिए मांग की है, बट हमको कोई क्लब वगैरह ऐसा कोई जगह प्रदान नहीं की जा रही है। 3 बच्चे हैं जो अभी अंतर्राष्ट्रीय के लिए चयन होने वाले हैं, हो चुके हैं, जो कि US जाएंगे अमेरिका, और अमेरिका में कैलिफोर्निया या फिर न्यूयॉर्क, ये 2 जगह में अभी जगह डिसाइडेड नहीं हुई है अमेरिका द्वारा कहाँ और ऑर्गेनाइज होगा टूर्नामेंट, ये दोनों जगह में से किसी एक जगह में टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होने जा रहा है। हम कोशिश करेंगे कि हमारे बच्चों को स्पॉन्सर करें, और मैं लगभग पिछले साल भी मेरा छोटा भाई गया था, तो रायगढ़ एनर्जी जनरेशन लिमिटेड जो कि अडानी फाउंडेशन द्वारा चलाई जाती है, जिसके सर हैं, वो पिछले बार हमको स्पॉन्सर कर चुके हैं, और माननीय चरणदास महान जी उन्होंने हमको स्पॉन्सर किया था, जिसमें मेरे छोटे भाई का पूरे वर्ल्ड रैंक में 3रा स्थान आया, उसने अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल लिया। शासन से हम आर्थिक जितने भी खिलाड़ी हैं उसके लिए सहायता प्रदान करना मतलब सहायता चाह रहे हैं कि जितने भी खिलाड़ी हैं या तो उनको सपोर्ट कीजिए या तो फिर उनको मतलब डीमोटिवेट मत कीजिए कि ये गेम वैल्यू नहीं है, वैल्यूएबल नहीं है। सारे जितने लोगों के पास भी जाओ वो सारे लोग यही बोलते हैं कि इस गेम में कोई फ्यूचर नहीं है। अगर इस गेम में कोई फ्यूचर नहीं है तो मैं छत्तीसगढ़ शासन से यही पूछना चाहूँगा कि अगर इस गेम में कोई फ्यूचर नहीं है तो छत्तीसगढ़ शासन इस गेम को खिला क्यों रही है 20 साल से।